जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। आज जो डिबेट लेके आया हूँ मैं स्वामी जी और एडम सीकर जी के बीच में हैं, तो पहले डिबेट सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना रिएक्शन भी दूंगा इस पे। तो देखते हैं ये वीडियो। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने अपने इस चैनल पे मेरे को बुलाया और मुझे इसका मेरा नहीं है, ये आप ही लोगों का है। सर बहुत मेहरबानी, सर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो बस आप हुक्म करें और हम बात करते हैं जो भी आप चर्चा करना चाहते हैं आज की लाइव स्ट्रीम में। मैं तो वैसे ही एक्स मुस्लिम हूँ, पाकिस्तान से हूँ, और जैसा कि बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे हम किस हृदय में चलते हैं। बिल्कुल, मैं यही जानना चाहूंगा और हमारे सभी दर्शक भी जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने लिखा भी है, कुछ प्रश्न सवाल जब आते हैं। हम लोग तो एक्चुअली नई जन्मे, सौभाग्य से हम इस्लाम में नई जन्मे, ये हमारा बहुत बड़ा कृपा है किसी का, पर प्रकृति का, कि हमें वहां नहीं जन्मा है, लेकिन दुर्भाग्य कि आप वहां पैदा हो गए थे, कैसे टपक गए ये पता नहीं, लेकिन लेकिन बच गए आप। तो बच गए हैं तो और लोगों को भी बचा लें चलो मिल करके। और वही कुछ चीजें जो शरीयत के नाम पर इस दुनिया के अंदर रखी गई हैं और लोगों को डराया गया है, हर आदमी वो कहते हैं ना, यहाँ पर पीना प्रतिबंधित है लेकिन वहां पर मिलेगी, नदियां भरी रहेगी वहां पर। अरे यस। तो पहला ही मेरा आपसे प्रश्न है कि जन्नत क्या चीज? जन्नत क्या चीज है? जन्नत अल्लाह मियां का प्रोस्टिट्यूशन हाउस है। पाप रे। एग्जैक्टली, अल्लाह मियां का प्रोस्टिट्यूशन हाउस, उसको हिंदी में क्या कहते हैं आप ट्रांसलेट कर दें, मुझे नहीं पता हिंदी में। हाँ, ब्रॉथल हाउस। तो अल्लाह ताला का प्रोस्टिट्यूशन हाउस का नाम है जन्नत। अब बात यह है कि मोहम्मद साहब ने उस जमाने में डेजर्ट के अंदर जहां पे गर्मी बहुत होती है, आपको पता होगा कि औरतें बहुत जल्दी मुरझा जाती हैं धूप की गर्मी की वजह से, स्किन जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है जी। अब मोहम्मद को जिस वक्त ये जरूरत थी कि उसके साथ ही उसके साथ निकलें और लड़ाई करें, अब लड़ाई में तो मौत होनी ही होनी है, ये तो हो नहीं सकता कि ना हो, तो उसने खूबसूरत औरतों का लालच दिया इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जब मोहम्मद को रोम पे हमला करना था तो उसने लोगों को लालच दिया, आओ मैं तुम्हें बनु उमैया की पीले बालों वाली सफेद और नरम औरतें दिलवाता हूं। कैसे बालों वाली? पीले बालों में, ब्लॉन्डी जिन्हें कहते हैं ना, ब्लॉन्डीज। बाप रे। ठीक है, और उसके अपने साथियों ने उसको बोला जो उस वहां पे थे कि तुम हमें औरतों का लालच दे रही हो जी। ठीक है, तुम हमें औरतों का लालच दे रही हो। सर ये सूरह तौबा की आयत नंबर 49 के अंदर लिखा हुआ है। सूरह तौबा की कौन सी है? सूरह तौबा की आयत नंबर 49 की तफसीर अल कुर्तुबी के अंदर और तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि आओ मेरे साथ अटैक करो, मैं तुम्हें बनी असफर की पीले बालों वाली औरतें देता हूं। अच्छा, अब अगर वहां पे मर जाओ और तुम्हें ये ब्लॉन्डी लड़कियां ना मिले, आयत 9:14 है क्या? 9:49 ठीक है, मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं, ये मैं दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पे दिखा देंगे तो दर्शकों को थोड़ा समझ में आएगा। जी जनाब, ये स्क्रीन देखिए सर, अब हिंदी तो मेरे पास नहीं है, मैं उर्दू में दिखाता हूँ सबको, मैं पढ़ देता हूँ। आप उर्दू में ही दिखा दीजिए जी। और इनमें से जो कोई कहता है कि इजाजत दें और मुझे और ना डालें मुझे आजमाइश में, ठीक है, याद रखो मैं आजमाइश वो पर चुके हैं और बेशक जहन्नुम घेरे लिए हुए काफिरों के लिए। ये तो लफ्जी तर्जमा हो गया। और इनमें से कोई ऐसे भी है जो कहता है कि मुझे तो इजाजत ही दे दीजिए, यानी मुझे जंग में मत लेके जाएं, मुझे रुखसत दे दें, मुझे रहने दें, पीछे रहने दें, मुझे आफत में ना डालें। तो लोग कह रहे थे कि मोहम्मद तुम हमें क्यों जंग में लेके जा रहे हो, बार बार हम मरवाने के लिए, हमें नहीं लेके जाओ। ठीक है, तो मोहम्मद ने क्या कहा, अगली आयतों में तो इसका है, लेकिन मोहम्मद ने कहा आओ मैं तुम्हें
देता हूं, ये देखो, इन्हें ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हबशा वाले रोम पर गालिब आ चुके थे और क्या करम है इनके मेरे नबी का, वाह वाह, वल्लाह वल्लाह, क्या करम है। Hey guys, real quick, let me give you a tip on you to कह रहे हैं इनके यहाँ बेटियां पैदा ना रोम की सफेदी और हबशा की स्याही दोनों समोली थी, यानी कि वो गंदमी रंगत वाली थी कि उन्होंने रोमन्स की सफेदी और हबशा की कालक दोनों को मिक्स कर लो तो एक गंदगमी प्यारा सा रंग बन गया, ठीक है, और नतीजतन वो स्याही माइल सुर्ख रंग की हो गई थी। इन औरतों की लालच दी मोहम्मद ने उनको। ये देखें, तुम जिहाद करो, ये औरतें हैं क्या, देखेंगे आप, ये तो अभी जन्नत की है ना, मैं तो अभी इस दुनिया की दिखा रहा हूं, इन जन्नत की औरतों तक चलते हैं, 2 मिनट दें, वहां पे भी चलते हैं, वहां पे भी चलते हैं। तुम जिहाद करो, तुम्हें बनाते असफर को गनीमत में पाओगे, असफर पीला, तुम ब्लॉन्डियों को माले गनीमत में पाओगे, आओ ताकि तुम उन गुलामों औरतों को लेके उनके साथ फिर बाद में बे इंतहा सेक्स करना। सर ये दुनिया में उन्होंने कहा, अब आखरत आप दिखाएं, मैं आपको जो है ना कुरान की रूह से आखरत दिखा दूं। जी, वो जो अभी आपने पिक्चर दिखाई थी, अब दोबारा वो दिखा दीजिए। जी जी हाँ, अब ये जो पिक्चर है ना सर, अच्छा ये जो पिक्चर है ये भी बड़ी मजे की है। अब ये जो औरतें सामने बैठी हुई है, इनमें से कुछ तो अल्लाह ने कहा कि हुरे हैं, जो अल्लाह ने पैदा ही इसलिए की हैं कि आप उनके साथ सेक्स करें, स्पेशल क्रिएशन अल्लाह ने की है आपकी सेक्स के लिए। अब स्वामी जी मुझे ये बताइए, अगर अल्लाह खुदा है, अज्यूम कर लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मान लिया कि खुदा है, भगवान है किसी किस्म का ना, हाँ। अच्छा, वो एक खास किस्म की मखलूक बनाएगा किस लिए, सिर्फ इसलिए कि यहां पे रहने वाले लोग जब मर जाएं जिहाद में तो वो वहां पर जाएं और इनके साथ सेक्स करें। ये किस किस्म की मखलूक, किस किस्म की गुलामी है जी, वो औरत, स्वामी जी मुझे बताइए, कभी भी गुलामी से आजाद हो सकती है? बिल्कुल, कभी भी गुलामी से तो आजाद नहीं ना हो सकेगी फिर वो। और अब यहाँ पर बात यह है कि जो लोग सनातन धर्म पे क्वेश्चन उठाते हैं उनको इस चीज़ से कंपेयर करना चाहिए सनातन धर्म को। सनातन धर्म मानवता का धर्म, जो जैसे मैं कहता हूँ, क्योंकि उस मानवता के धर्म से ही रिलीजन निकले हुए हैं, ये किसी ने बनाया नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूँ अपने वीडियोज़ में कि सनातन धर्म को किसी ने बनाया नहीं है, इट इज़ नॉट क्रिएटेड, बनाया नहीं है, वो अपने आप चल रहा है। हाँ, उसमें सीकर्स हैं, सीकर क्या होता है आप क्वेश्चन कर सकते हो, सीकिंग, अब हमारे ऋषि मुनि सीकर थे जिनको कहते हैं ऋषि मुनि, लेकिन हम ऋषि मुनियों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, अच्छी लगी तो फॉलो करते हैं, नहीं लगती तो नहीं करते हैं। कोई डाई हार्ड उसी चीज़ को मानना ऐसा नहीं है। सनातन धर्म जो मानवता का धर्म है, उसी से जैन निकले, उसी से बुद्ध निकले, उसी से सिख निकले, है ना। और मुझे तो ये भी लगता है कि हो सकता है ये जो सऊदी अरब में बाहर जो लोग बसे, वो सब इंडिया के सब कॉन्टिनेंट से ही माइग्रेट होके वहाँ गए हैं, ऐसा डीएनए में भी पाया गया है कि एक टेस्ट हुआ था। चलो उस पे नहीं जाएंगे, अब इस डिबेट पे बात करते हैं कि देखो एक रिलीजन है, इस पे क्या चीज़ लिखी हुई है, ये जन्नत ये सब चीज़ें हैं ना, सोचकर भी दिमाग झन्ना जाता है। अध्यात्म, जो हमने अध्यात्म सुना था उसमें जो मतलब लोग क्या करते हैं, संन्यास ले लेते हैं, दुनिया मतलब दुनिया की जो चीज़ें हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको छोड़कर सिर्फ परमात्मा में लीन होते हैं, तो काम, अब यहाँ पर तो सिर्फ काम के लिए आप एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, जबकि सनातन धर्म में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़कर अध्यात्म में जाया जाता है, शरीर से ऊपर उठ के। आगे सुनते हैं। और यही यही बात एडम साहब मैं पूरे देश के और दुनिया के धरती के हर मोमिन को कहता हूँ कि तुम थोड़ा दिमाग तो लगाओ, थोड़ा सोचो तो सही, सोचो ना, सोचना बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा मैं अब दोबारा से स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये अल्लाह ने कुरान में कहा इन हूरों के लिए, ठीक है, बस हमने इन्हें बनाया कवारियां यानी के वर्जन्स,
इसका हिंदी में मुझे नहीं पता क्या लफ्ज है। वर्जिन से मतलब वहां यही कहेंगे उनको जिनके साथ कभी सेक्स नहीं किया कभी। हाँ, जिन्होंने कभी जीवन में, पता नहीं इन लोगों को ऐसे शब्द कहां से मिल जाते हैं। कोई बात नहीं, हम इसकी तफसीरें देखते हैं। अल्लाह ये कहते हैं कि अच्छा, अब एक अब वर्जन के साथ पहली दफा आपने सेक्स किया तो वो वर्जन तो नहीं रहे। नहीं, आप इसे थोड़ा सा ठीक कीजिए ना, किससे किलवाते हैं वो स्वयं नहीं कहते ना। सॉरी, मतलब अल्लाह मियां डायरेक्ट थोड़ी कहते कि कोई बीच में है। नहीं नहीं, अच्छा कुरान है ना, तो कुरान कह रहा है। हाँ, तो मैं जब हाँ, कुरान के लफ्ज बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह मियां कह रहा है। नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, लोग विश्वास करने लगेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, विश्वास ना करें, मोहम्मद ने कहा कि उसके अल्लाह ने ये बोला है उसे। या यही तो करम है मेरे नबी का, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा स्वामी जी की एक बात बहुत बढ़िया लगती है, यही तो कर्म है मेरे नबी का। अब ये जो वर्जन बनाया ना अल्लाह ने, अब स्वामी जी एक दफा अगर आपने वर्जन के साथ कुछ कर लिया तो वो वर्जन हाँ, तो नहीं रहती। नहीं स्वामी जी, नहीं वो लोग मोमिनों के लिए बोलो, मोमिनों के लिए बोलो। हम ऐसे पाप में नहीं हम डालते जी। जी बिल्कुल संतुष्ट फरमाया। तो फिर अल्लाह मियां ने जन्नत में एक स्पेशल ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है जी, कि जितनी दफा भी आप उसके साथ करोगे अल्लाह उसको दोबारा वर्जन बना देगा। बाप रे, ये इसकी तफसीर है, ये देखिए सर। हाँ, अच्छा। एंड मेड देम वर्जन इमैक्युलेट एवरी टाइम देयर स्पाउस एंटर्स देम दे विल फाइंड देम वर्जन अगेन, और उनको कभी दर्द भी नहीं होगा अपनी वर्जेनिटी होने का। लिखा हुआ, मैं नहीं, जो लिखा पढ़ रहा हूँ सर, सामने लिखा है। ये भगवान का किताब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किताब किसका है। नहीं भगवान का नहीं है ना, अल्लाह मियां का ना। नहीं मतलब अल्लाह का भी है तो ये क्या स्पिरिचुअल बुक कहते तो वो यही है, वो मोहम्मद साहब से पूछिए आप। मैं तो ढूंढ रहा हूँ आसी के रसूल हो गया जी ये सुन सुन के। तो अच्छा मौला क्या करम जी, बोलिए आगे। अब ये जो कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो के अल्लाह मियां इस दुनिया में से लेंगे, अच्छा कैसे लेंगे, अल्लाह मियां कहते हैं इनको उठा लिए हमने बड़ी अच्छी ठान से और उनको हमने कंवारियां बनाया, वर्जन बनाया है, उर्बन अत्राबा। अच्छा इसकी जो प्यारी प्यारी ट्रांसलेशन है वो है प्यार देने दिलाने वालियां, प्यार देने दिलाने वालियां। ये जनाब इसे हम कहते हैं शुगर कोट ट्रांसलेशन, ठीक है। अब जो शुगर कोट ट्रांसलेशन है उसको अगर हम अरबिक मुफस्सरीन, मुफस्सरीन कहते हैं स्कॉलर्स, जिस तरह आप स्वामी हैं आप जी, अपने अपनी चीजों की ट्रांसलेशन देते हैं संस्कृत, मास्टर मास्टर्स जो होते हैं जी 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 सर, उनमें से एक मास्टर हैं, मैं उनकी आपको इस आयत की ट्रांसलेशन दिखाता हूं। ये किताब है जनाब, आपको दोबारा स्क्रीन दिखानी पड़ेगी, शकायकुल इतराज जी, शकायकुल इतराज एक किताब है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये किन शख्स ने लिखी है, ये लिखी है इमाम अल हाफिज जलालुद्दीन अब्दुल रहमान बिन अबी बकर अस्सयूती। मतलब ये कोई पूरे जिले का नाम है कि एक ही आदमी का नाम है? फिर से एक बार नाम आप बोलिए ना, कितना मतलब। इमाम स्वामी जी आप कमाल है यार। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बट ये कितना मतलब अद्भुत कैसा है मतलब। सर ये एक ही आदमी है पूरे जिले का नाम, इनका नाम है इमाम अल हाफिज जलालुद्दीन अब्दुर रहमान बिन अबी बकर अस्सयूती। और भी कुछ छूटा तो नहीं? पता नहीं, शायद एक दो और लगा लेते वो बाद में। ओह माय गॉडनेस, दैट इज वन। जी बोलिए बोलिए सर, इनका सफा नंबर 69 के अंदर वो इसकी
ट्रांसलेशन दे रहे हैं हम, ठीक है। अब ये कहते हैं अत्तबकुल मुफस्सिरून व अहलुल लुगा अला अन अरब जमा उरबत। वो कहते हैं कि बकौल मुफस्सिरीन के, बकौल स्कॉलर्स के जो कि इसके ऊपर कमांड रखते हैं, किसके ऊपर, इस आयात के ऊपर, वह मास्टर्स हैं, जो मास्टर्स हैं, वह अहलुल लुगा और वो लोग जो लुगत अरब यानी कि अरबी जुबान, लुगत कहते हैं जुबान को, अरब अरबी, अरब के लोगों की जुबान के ऊपर महारत रखते हैं, वो कहते हैं कि उरुबन लफ्ज निकला है औ उरूब जमा उरुबत, जिसकी प्रूलर है, जिसकी जमा है उरुबत, औ जो के अरूब से निकला है, वह अनहा अल कहबा जिसका मतलब है कहबा, यानी के अगर मैं हिंदी उर्दू में कहूं तो रंडियां, कश्तियां। अरे बाप रे, मैं नहीं कह रहा सर, ये उसकी ट्रांसलेशन है, कहबा की ट्रांसलेशन है ये। किताब मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक संबंध, आध्यात्म से संबंधित किताब है उनके। ये मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान में लिखा हुआ है उरुबन अतराबा, ये लफ्ज कुरान का है, उसका मतलब बता रहा हूँ। तो वीडियो आपने देखा, ये शब्द जो है कुरान में लिखे हुए हैं और कैसे ट्रांसलेशन जो उन्होंने करके दिखाई, तो उसका क्या मतलब है वो बताया गया कि जन्नत में जो 72 हूरे हैं उनका क्या मतलब है। तो आप आध्यात्मिक मतलब जो 5 वक्त आप नमाज पढ़ रहे हो, जो आप सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो, इस चीज़ के लिए कर रहे हो, ये चीज़ के लिए, ये चीज़ के लिए। अरे अध्यात्म में तो इस दुनिया में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है उनसे छुटकारा करके आपको भगवान में लीन होना है, ना कि इन गंध में पड़ना है। तो ये वीडियो, पूरा वीडियो आप स्वामी जी के चैनल पे देख सकते हैं। तो ये मेरा इस वीडियो पे रिएक्शन था, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानने सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो ऐसी ही डिबेट्स मैं इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ जो एक्स मुस्लिम्स के साथ होती है, मुस्लिम्स की बाबा जी के साथ होती है डिस्कशन, तो वो सब चीज़ें लेके आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपनी राय अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।